नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। इस वक्त मैं हूं दिव्या, आज की अपडेट के साथ। माता बाला देवी कबड्डी टूर्नामेंट युवक मंडल पनलक द्वारा किया गया आयोजित। 1 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, 20 टीमों से ज्यादा की हो चुकी है एंट्री। 30 सितंबर तक होगी एंट्री, 31,000 नगद राशि का इनाम। ज्वाली के अंतर्गत पनलत युवक मंडल द्वारा आयोजित माता वाला देवी टूर्नामेंट का आयोजन 1 अक्टूबर से किया जा रहा है। इसके तहत युवक मंडल द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। युवक मंडल के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 20 से ज्यादा टीमों की एंट्री हो चुकी है तथा 30 सितंबर तक एंट्रियाँ चालू हैं। उन्होंने बताया कि युवक मंडल द्वारा 1100 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। विजेता तथा उप विजेता टीम को 31,000 व 21,000 नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। जानकारी देते हुए बताया कि सभी टीमों को 1 अक्टूबर सुबह 9 बजे पहुंचना होगा अनिवार्य तथा रेफरी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुशासन का पालन न करने वाली टीम को तुरंत टूर्नामेंट से कर दिया जाएगा ब्लैकलिस्ट। पनलक युवक मंडल के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि टूर्नामेंट का समस्त लाइव प्रसारण आरके हिमाचल न्यूज चैनल के माध्यम से किया जाएगा। कबड्डी का टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, जिसकी तिथि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर रहेगी जी। और इसका विजेता टीम को हम 31,000 देंगे और रनर अप टीम को हम 21,000 इनाम रखा है। और खिलाड़ियों की 1 और 2 अक्टूबर की रहने और खाने की व्यवस्था युवक मंडल पनालत और माता बाला देवी कमेटी कर रही है जी। आप सब खिलाड़ी, खेल प्रेमियों, कबड्डी प्रेमियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, स्वागत है जी।